बांसुर में भाजपा की ओर से नहीं सहेगा राजस्थान के तहत। कार्यकर्ताओं ने भाजपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य महेंद्र यादव तथा भाजपा नेता देवी सिंह शेखावत के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार के खिलाफ काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके पश्चात बांसुर के गांधी सर्कल से विशाल जन आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान भाजपा नेता देवी सिंह शेखावत ने बताया कि राजस्थान में आए दिन महिला उत्पीड़न भ्रष्टाचार अपराध चरम सीमा पर पहुंच चुका है, जिनका आमजन परेशान है और विधायक और मंत्री अपने क्षेत्रों में मनमानी कर रहे हैं तथा राजस्थान में कांग्रेस सरकार में किसी भी प्रकार की कोई भी विकास क्रिया नहीं की गई, झूठी घोषणाएं करके लोगों का ध्यान कांग्रेस सरकार भटका रही है। इस दौरान जिला अध्यक्ष उमेद भाया, जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर शशिकांत भौरा, मंडल अध्यक्ष नरेंद्र चौधरी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद रहे। राजस्थान में नहीं सहेगा राजस्थान के तहत क्या नहीं सहेगा राजस्थान? महिलाओं पर अत्याचार राजस्थान अब नहीं सहेगा, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है राजस्थान की जनता नहीं सहेगी। महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, आए दिन अपराध की घटनाएं, आज भी पढ़ा होगा आपने, जोधपुर जो एक खुद मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, वो होम मिनिस्टर भी है, तो निश्चित रूप से राजस्थान में अपराध बेलगाम हो चुके हैं। तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता में एक बहुत बड़ा आक्रोश है। थोड़े समय पहले जन आक्रोश यात्रा भी निकली थी, अब आज हम यहाँ गांधी जी की प्रतिमा के सामने मौन धारण करके यहाँ बैठे हैं। यहाँ से हम अब रैली के रूप में आगे जो कोटपुतली तिराया वहाँ तक सभी कार्यकर्ता जाएंगे नारेबाजी के साथ। सरकार चल रही है, इसके पाप का घड़ा भर गया है। आचार संहिता लगने में केवल 2 माह का समय शेष बचा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक एक गांव ढाणी चौपाल जाकर लोगों को जागरूक करेगा और हमारी ये कोशिश रहेगी कि इस बार रिकॉर्ड सीटें हम जीते हैं। इससे पहले हम 163 सीटें राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, उस रिकॉर्ड को तोड़कर और आगे बढ़ें, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सबकी कोशिश रहेगी और इस अपराध से मुक्ति दिलाएं। और जिस तरह से योगी जी का और देश में मोदी जी का जो मॉडल है, जिसकी प्रशंसा पूरे विश्व में की जा रही है और इस भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने पूरे विश्व में मान सम्मान दिलाया है, उसी पथ पर राजस्थान चलते हुए इस कांग्रेस को उखाड़ के फेंकेंगे और इससे कांग्रेस के कुशासन से राजस्थान की जो धर्म प्रेमी हमारी जनता है, शांति प्रिय हमारी जनता है, हमारी जो माताएँ बहनें हैं, हमारे जो बेरोजगार भाई हैं, हमारे जो किसान भाई हैं, उनको रिलीफ देने के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्य करेगी और इस शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। पहले हमारा मौन धारण है, उसके बाद हमारी बाजार में से रैली है।